कहना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस के मोड ऑफ वाई, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। वी नो दैट किसी भी रियल नंबर के लिए मोड ऑफ एक्स हमेशा एक्स के बराबर होता है, मोड ऑफ वाई हमेशा वाई के बराबर होता है, और आप जानते हो कि मोड जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्वांटिटी होती है ज़ीरो के, अर्थात मोड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ओके, तो मेरे पास यहाँ से निकला, अगर मैं एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास निकलता है एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई के बराबर है। ओके, तो मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के टू एक्स वाई। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया और एक्स प्लस वाई के कंप्लीट स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, जो कि निकल करके आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के टू एक्स वाई। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ से निकला मोड ऑफ एक्स प्लस के वाई का कंप्लीट स्क्वायर मोड ऑफ एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के टू एक्स वाई। ओके, बट वी नो दैट मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू मेरे पास होता है वाई के। ओके, सो दैट मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया यहाँ से सीधा सीधा, यहाँ से निकला मोड ऑफ एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाली जो कि मोड ऑफ एक्स के बराबर है, वाई की वैल्यू डाली जो कि मोड ऑफ वाई के बराबर है। ओके, यहाँ से हुआ वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, और मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ मेरे पास बराबर हुआ सीधा सीधा एक्स स्क्वायर के। ओके, मैंने डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, मेरे पास निकला एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ एक्स वाई प्लस टू इंटू मोड ऑफ एक्स इंटू वाई। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। हम जानते हैं कि मोड ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर होता है मोड ऑफ एक्स के मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई। ओके, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया एक्स प्लस वाई के कंप्लीट स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू मोड ऑफ एक्स वाई। यहाँ मैंने मोड ऑफ एक्स वाई की वैल्यू डाली मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो हम एक चीज़ और भी जानते हैं, मोड ऑफ एक्स वाई मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई बराबर होता है एक्स इंटू वाई के किसी भी रियल नंबर के लिए, अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है। ओके, जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई का यूज़ करूँगा जो कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स इंटू वाई के है, तो मेरे पास जो रिजल्ट चेंज होकर के आएगा सीधा सीधा निकल जाएगा मोड ऑफ एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू, ये जो लेस देन एंड इक्वल टू का जो साइन आया है ये इसकी वजह से आया, ये जो लेस देन एंड इक्वल टू एक्स वाई है। ओके, लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टू मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अर्थात मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया सीधा सीधा ये निकला मोड ऑफ एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू मोड ऑफ एक्स इंटू वाई। ओके, इसको मैं जो लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर सिक्स है, इक्वेशन सिक्स को मैं लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आया मेरे पास एक्स प्लस वाई के मोड का कंप्लीट स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, अर्थात मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई का कंप्लीट स्क्वायर। मैंने स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू, क्यों? क्योंकि पावर दो है यहाँ पे, इसलिए प्लस माइनस का साइन लगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाई श्रीधराचार्य फार्मूले से। ओके, आप भी जानते हो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलता है, तो एक्स की वैल्यू जो आती है, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ए,
आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया। बट मेरे पास जो है जो मॉड होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, अर्थात किसी भी नंबर का मॉड जो मेरे पास होता है, अगर मैं मॉड ऑफ एक्स की बात करता हूँ, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अर्थात मॉड वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो निकला, मैं बोल भी रहा हूँ कि मॉड वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया मॉड ऑफ एक्स प्लस के वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो निकली लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई, ये मेरे पास रिजल्ट आ चुका और यही मेरे को सिद्ध करना था। देखो आप, मेरे को सिद्ध करना था मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू प्लस मॉड ऑफ वाई। ओके, यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे की तरफ चलते हैं, पहले वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। मेरे को प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई। ओके, वी नो दैट मोड ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज, मोड ऑफ एक्स को जो लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना मोड ऑफ एक्स को कैसे लिखा जा सकता है, मोड ऑफ एक्स को लिखा जा सकता है मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस के वाई, क्योंकि इस वाई से ये वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स ही बचेगा, अर्थात सीधा मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, जो कि वैलिड क्वांटिटी है। ओके, मैं जानता हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी बताया था आपको कि जो ऊपर वाली जो होती है, जिसको मैंने बोला था कि ये जो रिजल्ट मैंने प्रूफ किया था, जिसको मैं बोल रहा था, इसको बोलता हूँ मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ओके, मैंने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ किया, यानी मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस के मोड ऑफ वाई। तो जैसे ही मैं यहाँ इस इक्वेशन के अंदर मोड ऑफ एक्स के अंदर जो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ करूँगा, ये मेरा प्लस का निशान लगा हुआ है, मेरे पास सीधा होगा मोड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस मोड ऑफ वाई। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, मोड ऑफ वाई को मैं इस तरफ लेकर के आया, मेरे पास निकला मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई। इसी प्रकार सिमिलरली इसी फैशन से मैंने मोड ऑफ वाई की वैल्यू निकाली और मैं जानता हूँ कि मोड ऑफ वाई बराबर है मोड ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा, यहाँ से सीधा सीधा निकला मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस के एक्स। फिर मैं कह रहा हूँ भाई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो क्वेश्चन जो थ्योरम मैंने ऊपर प्रूफ की थी कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, मैंने डायरेक्ट इस इनइक्वालिटी का यूज़ किया, मोड ऑफ वाई की वैल्यू मेरे पास ये निकली लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस के मोड ऑफ एक्स। ओके, ये देखो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अर्थात मेरे पास यहाँ से देखना, फिर मैं इस क्वांटिटी को इधर उठा करके लाया, यहाँ लेकर के आया, ये हुआ मेरे पास मोड ऑफ वाई माइनस मोड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ वाई माइनस एक्स। ओके, मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा, ये बना मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ वाई माइनस एक्स, ये मेरे पास इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर बी। आगे की तरफ देखता हूँ, तो मेरे पास जो है बेटा ध्यान से देखना, पहले जो इक्वेशन ए निकल करके आई थी वो निकल करके आई थी मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बी जो निकली हुई है आपके सामने है, ये इक्वेशन बी निकली हुई है माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ वाई माइनस एक्स। ओके, मोड ऑफ वाई माइनस एक्स, मैंने दोनों इक्वेशन उठाई यहाँ से और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर बी है जो मैं ऊपर जो अभी ऊपर डिस्प्ले हो रही थी, मैंने इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ किया। इक्वेशन का यूज़ करने के बाद मैं जानता हूँ ये बेसिक फार्मूला होता है बेटा मोड ऑफ एक्स हमेशा, दिस इज बेसिक फार्मूला। ओके, ये मेरे पास बेसिक फार्मूला होता है कि मोड ऑफ एक्स हमेशा जो होता है मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस के एक्स माइनस एक्स। मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको बोलता हूँ मोड ऑफ टू की बात करता हूँ, बराबर होगा मैक्सिमम ऑफ माइनस टू कोमा टू। ओके, और वैल्यू मोड ऑफ टू की निकल करके आएगी, दोनों में मैक्सिमम, भाई माइनस टू बढ़ा है कि टू बढ़ा है,
अर्थात 2 आ जाएगी। ओके सो मेरे पास ये फार्मूला होता है मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स माइनस एक्स कोमा एक्स। ओके अब देखते हैं मेरे पास जो है, ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास जो है दोनों राइट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड के अंदर x माइनस वाई का मोड है, यहाँ भी x माइनस वाई का मोड है। ओके इसके ऊपर जैसे मैं प्रॉपर्टी मोड की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, दोनों इक्वेशन के ऊपर मैं मोड की प्रॉपर्टी जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास निकलेगा मोड ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x माइनस वाई और माइनस मोड ऑफ x माइनस के मोड ऑफ y। ओके दोनों के ऊपर मैंने मोड प्रॉपर्टी अप्लाई की, और आप भी जानते हो बेटा, ये देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि मोड ऑफ x जो होता है, यहाँ अगर ये मैक्सिमम है इस तरफ, अगर मैक्स है यहाँ, अगर मैक्स है तो इस तरफ मेरे पास मोड आ रहा है। ओके इस कंसेप्ट का मैंने यूज़ किया, जब इस तरफ मेरे पास मैक्स है, इस तरफ मेरे पास मैक्स है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास यहाँ डबल मोड आ जाएगा। सीधा सीधा मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई। ओके और यही मेरे